अनमोल निजी अस्पताल की जांच को लेकर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। पीड़ित महिला के पक्ष में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस मुलताई नगर में उतरी। मंगलवार को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव राजरानी परिहार के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा मुलताई में संचालित अनमोल प्राइवेट अस्पताल में चिकित्सा के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने के चलते पीड़ित महिला के पक्ष में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने के बाबत मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी सीएल चनाप को ज्ञापन सौंपा गया। आईबीएन 24 न्यूज के लिए अनीश नायर की रिपोर्ट। विषय को लेकर ये ज्ञापन सौंपा है आपने? पेपरों के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि एक महिला हमारे मुलताई की, जिसका अनमोल प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रवीण शुक्ला जी के द्वारा इलाज किया गया था, और उस इलाज में इंजेक्शन लगने की वजह से उस महिला के पैर में बहुत प्रॉब्लम हो करके और उसको बैतूल तक जाना पड़ा। हम लोगों ने इसकी जांच की मांग की है अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन देकर के मुख्यमंत्री महोदय जी से, क्योंकि इसके पहले भी अनमोल हॉस्पिटल में बहुत सारी घटनाएं हुई है। एक बच्चा भी शायद वहां पर हो गया था और फिर उसको इधर उधर करके रफा दफा कर दिया गया। अगर इस तरह की घटनाएं हमारे मुलताई में, हमारे मुलताई के लोगों के साथ में, मरीजों के साथ में होते रहेगी तो कोई बहुत बड़ी घटना का तो कहीं कोई शासन प्रशासन इंतज़ार नहीं कर रहा। इसके पहले हम चाहते हैं कि इसकी उचित जांच हो जाए, आखिर मामला क्या है, और यदि यहाँ पर गलत हुआ है तो इस अनमोल जो क्लिनिक है इसको तत्काल प्रभाव से हम बंद भी करने की मांग करेंगे। इस तरह की घटनाएं हमारे मुलताई शहर में नहीं होना चाहिए। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम लोगों ने हमारे नागरिकों के लिए आवाज़ उठाई है ज्ञापन के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत। अभी महिलाओं द्वारा ये ज्ञापन दिया गया इस अनमोल हॉस्पिटल के लिए, तो इस संबंध में प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी मुझे अवगत कराया गया है अनमोल प्राइवेट हॉस्पिटल मुलताई का है, जहां एक महिला के इलाज के दौरान कुछ आरोप लगे हैं, उसके संबंध में जांच के लिए मुझे ज्ञापन सौंपा गया है। मैं इस संबंध में थाने को ये भेजूंगा कि उसको जांच कर यदि कोई गड़बड़ी हुई हो तो इसकी ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करें। धन्यवाद।